हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हर्षांगजार। एंड एज यूजुअल आज मैं कुछ अलग करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो आई केम अप विद एन आइडिया व्हेन माय मॉम वांटेड टू थ्रो माय ओल्ड शूज। सो टुडे आई एम गोइंग टू टर्न दिस ओल्ड अगली शूज इनटू एन आर्ट पीस। एंड यू नो हाउ, इवन आई डोंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई हैव टू वॉश देम। तो चलिए। Later that same evening. So guys, it's been 5 to 6 hours. They have dried, but I still don't know what to do with it. But you know the first thing, right? Let's paint them white. I just realized ki abhi andar se sukhe nahi hai. To color nahi kar sakte. Lagta hai kal hi karna padega. So let's wait till tomorrow. The next day. So guys, it's next day और shoes obviously मतलब सूख गए अच्छे से। So let's color it. तो गाइस, व्हाइट कलर कर दिया हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मैं परफेक्टली नहीं किया क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो मुझे लाइट कलर चाहिए था और शूज डार्क कलर का था, इसलिए क्योंकि लाइट बैकग्राउंड होगा तो जितने भी कलर थे थोड़ा अच्छे से दिख के आएंगे, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता। इसके बाद जो करूँगा वो मैटर करता है, जो मुझे नहीं पता क्या कर देना है। नाइस। तो गाइस, सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी भी ऐसी कलर निकाल के रख दिया था, थोड़ा इंस्पिरेशन कुछ मिल जाए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नॉर्मल कलर नहीं करना है, आप समझ रहे हो, मतलब इसको मेरे को एज अ शूज यूज नहीं करना है। यस, कुछ अलग चीज बनानी है इससे। हाँ, अलग है, बियर्ड है, पता है, बट आर्टिस्ट लोग होते ही ऐसे, समझ जाओ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मन तो कर रहा है मार दूं इसको। एक मिनट, अभी मुझे लग रहा है कि मैं उसके ऊपर वो स्प्लैशेस वाला डिजाइन होता है ना, वो बना सकता हूं। ट्राई करके देखते, चलो। गाइस, अभी तक एक ही कलर हुआ है, अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस को। यस, बहुत सारे कलर, थोड़ा और जितना अच्छा ज़्यादा कलर उतना अच्छा लगेगा। सो चलिए दूसरा कलर। सो गाइस, एट दिस पॉइंट मैं सच में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो चुका हूँ। बट दिस इज हाउ यू क्रिएट आर्ट, बाय थ्रोइंग पेंट ऑन योर ओल्ड शूज एट मिडनाइट। एंड यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना स्टॉप। जब तक जितने भी पेंट यूज नहीं कर लेता तब तक रुकने नहीं वाला। तो देखते और कितना टाइम लगता है। तो गाइस, ये है वो शूज और मेरी टेबल की हालत आप देख ही सकते हो। तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता,
क्योंकि आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लग रहे हैं। और थोड़ा कुछ मतलब मैंने सोचा है इस पार्ट के लिए शूज़ के। ओके, तो देखते वो अच्छा लगता है क्या धोने के बाद। वहाँ पे कलर करने वाला हूँ मैं कुछ अलग, आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस सच में बहुत पेशेंस का काम है जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। एक शूज़ हो गए, एकदम संभाल संभाल के करना पड़ रहा है, और अभी दूसरा शूज़ करूँगा और उसके बाद और एक चीज़ करूँगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो नीचे का सोल है वो ब्लैक है और उसके ऊपर पेंट ड्रिप हो रहा है, बस इतना इफेक्ट आ रहा है। बट और एक कुछ तो फिनिशिंग टच देने वाला हूँ जिससे मस्त लगने वाला है, आपको डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊँगा। तो गाइस पूरे शूज को कलर करके हो गया है, जो कलरिंग का पार्ट था वो हो गया है, एंड नाउ एंजॉय द रिव्यू। बट गाइस मैं इसको सिर्फ कलर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ कलर किया तो ये कस्टम हो जाएगा और हमें इसका मतलब आर्ट पीस बनाना है, राइट। तो इसके साथ मैं और कुछ चीज़ें करने वाला हूँ, अभी मैंने प्लान की है, पता नहीं अच्छा दिखेगा कि नहीं बनने के बाद, बट सोच रहा हूँ रिस्क ले लूँ, और आपको अभी वीडियो के चलते पता चल ही जाएगा। तो चलिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। Now I am going to make some paper flowers and you will think how it is related, but yes it is and you will come to know soon. So I tried to make the paper flowers by my own technique, but it turned out to be a bit hard, so I watched a tutorial on YouTube. And to be honest, this technique was easy, which I watched in the tutorial. So the link of the tutorial is in the description, you can check it out. So I kept making the paper flower for at least 3 hours, I think. So guys, finally abhi shaam hone aa gayi, most pura ho gaya almost. Main bola tha na flowers lagane wala, so ek hi flower lagana baki hai, wo sukha raha tha. Actually maine paint mein direct dip kar diya pani mein mix karke, क्योंकि पूरा वो कलर करने में मेरे को घंटा लग रहा था इसलिए। तो अभी वो सूख गया और दिखा दूंगा और उसके बाद ही रिवील करूंगा, अभी नहीं बन जाने के बाद। और अच्छा लग रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट किया था वो लेवल पे है। 12 seconds later. So guys, बन गया पूरा फाइनली। ये कोई कस्टम वीडियो नहीं था, यस मतलब मैं एक आर्ट पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जो हम शोकेस में शो पीस ऐसे बोलते ना वैसे टाइप का, बट आर्ट पीस क्योंकि वो हैंडमेड है और एक आर्टिस्ट ने बनाया इसलिए। तो अभी चलो आपको रिवील करा ही देता हूँ। That's it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये आर्ट वर्क भी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा आर्ट पीस बनाने की कोशिश की है, मैं बनाना चाहता था, ये मेरे से प्लान था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि सच में मोटिवेशन मिलती है ज़रा सब्सक्राइब कर देते हो, ज़रा सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते तो नए वीडियो बनाने के और ज़रा मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन आता है इसलिए। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।